नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी एसोसिएट। दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहे हैं फिनोपेन बैंक के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में। तो किस तरह आप दोस्तों फिनोपेन बैंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, और इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कितना आपको कमीशन मिलेगा, क्या प्रॉफिट है और कितना अमाउंट से आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप बन सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। और साथ ही में भी बताएंगे आपको रिटेलर का कितना प्राइस लगता है, माइक्रो रेट में कितना प्राइस लगता है, सारा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से आपसे निवेदन है, यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तभी कॉल कीजिएगा, यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो टाइम पास के लिए कॉल मत कीजिएगा। और यदि आपको बेसिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के माध्यम से बेसिक जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे आपका जानकारी मिस हो सकता है। और आपको अधिक जानकारी चाहिए अगर वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट करके आप बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करें छोटा सा निवेदन, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दिया। इससे ये होता है जो भी वीडियो पहले अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर में आ गए हैं, यहाँ पर हमने अपना कमीशन स्ट्रक्चर ओपन कर लिया है। तो चलिए दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की अनबोर्डिंग फीस के बारे में। तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर अनबोर्डिंग फीस। तो यहाँ पर दोस्तों तीन तरह का अनबोर्डिंग फीस है, एक 10,000 से है प्लस GST है, एक 15,000 से प्लस GST है, एक 25,000 से प्लस GST है। तो यहाँ पर आपको तीन तरह का अनबोर्डिंग फीस मिल जाता है, और दोस्तों तीनों में अलग अलग फैसिलिटी है। क्या क्या फैसिलिटी तीनों में अलग अलग है, और इस वीडियो में सारा बताएंगे क्या क्या दिनों में डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर आपको तीन तरह का अनबोर्डिंग फीस मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर अनबोर्डिंग फीस के बारे में। यदि डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो मर्चेंट का कितना अनबोर्डिंग फीस लगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्चेंट चार्ज जो कि फर्स्ट वाले कालम में है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का जो एक डिस्ट्रीब्यूटर जब अनबोर्डिंग करेगा मर्चेंट का, तो 1500 से करेगा प्लस GST के साथ। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को 300 रुपये का कमीशन प्रॉफिट होगा, और यदि मर्चेंट का वो 35,000 से अनबोर्डिंग करता है तो वहाँ पर मर्चेंट को एक माइक्रो ATM मिलेगा, और उसमें प्लस GST भी जुटा होगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को जो शेयर होगा वो होगा 1500 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी कमीशन मिलेगा। और यहाँ पर तीसरा है जो आपका 59,000, यदि मर्चेंट का 59,000 से अनबोर्डिंग होता है तो यहाँ पर मर्चेंट को एक WPOS मिलता है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को 3,000 तक का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर लिया डिस्ट्रीब्यूटर के अनबोर्डिंग फीस के बारे में, और यहाँ पर बात कर लिया मर्चेंट के अनबोर्डिंग फीस के बारे में। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में होंगे कि यहाँ पर 1500 में क्या मिलेगा अनबोर्डिंग फी में, 35,000 में, और 59,000 में क्या कमीशन मिलेगा। तो इस कमीशन के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, वीडियो के लास्ट में वहाँ पर हम मर्चेंट के कमीशन स्ट्रक्चर बारे में बात करेंगे। तो ये भी चलिए यहाँ पर आते हैं हम तीसरे वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर शेयर। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर शेयर में डिवाइस सेल ऑफ MRP पर देख पा रहे हैं आप। तो यदि मर्चेंट अपने पोर्टल से माइक्रो ATM बुक करता है तो यहाँ पर मर्चेंट का जो अमाउंट डिडक्ट होता है वो 6900 रुपये होता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर को 250 रुपये का प्रॉफिट होता है। यदि मर्चेंट WPOS अपने पोर्टल से बुक करता है तो यहाँ पर 25,000 रुपये डिडक्ट होता है उसके वॉलेट से, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का जो प्रॉफिट होता है वो 500 रुपये पर डिवाइस प्रॉफिट होता है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर जो शेयर है यहाँ पर APS ट्रांजेक्शन और माइक्रो ATM के बारे में और कासा के बारे में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं MATM ट्रांजेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 0.2%, और यानी कि 0.2% का मतलब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 1,020 रुपये, और जिसका मैक्सिमम कमीशन है वो 1 रुपये है। और यहाँ पर रिटेल को जो मिलता है 1,000 रुपये वो 1,002 रुपये कमीशन मिलता है। और वहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ पर APS के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर APS में जो कमीशन मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को वो सेम ही मिलता है माइक्रो ATM का, 0.2%, यानी कि 1,020 रुपये, और जो इसका मैक्सिमम कमीशन है वो 1 रुपये है, और जो रिटेलर का 1,000 रुपये कमीशन है वो 1,002 रुपये कमीशन है। बात कर ले कासा की, तो यदि मर्चेंट सेविंग अकाउंट खोलता है विथ डेबिट कार्ड के साथ तो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट होता है 5 रुपये का, और वहीं पर यदि मर्चेंट सेविंग अकाउंट खोलता है विदाउट डेबिट कार्ड के तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी आपका मर्चेंट अकाउंट ओपन करे तो वो एक डेबिट कार्ड के साथ अकाउंट ओपन करे, तभी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट होगा, अन्यथा डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट के बारे में। तो यहाँ पर यदि मर्चेंट कैश डिपॉजिट करता है तो यहाँ पर 0.05% का कमीशन मिलता है, यानी कि 1,050 रुपये का कमीशन मिलता है, और जो मैक्सिमम कमीशन वो 8 रुपये है।
तो यहाँ पर यदि 1,000 का डिपॉजिट होता है मर्चेंट के द्वारा, तो डिस्ट्रीब्यूटर को 50% का कमीशन मिलता है, और जिसका अधिकतम कमीशन वो 8 रुपये है। और वहीं पर कैश विड्रॉल की बात कर लेते हैं, तो यदि कैश विड्रॉल होता है फिनो के अकाउंट से, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। और यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र होता है यानी कि फिनो से अदर, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, यानी कि कोई कमीशन नहीं मिलता है। अभी हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग फीस के बारे में। तो यहाँ पर जो भी आप देख पा रहे हैं कई सारे कंपनी के इंश्योरेंस है, तो यहाँ पर यदि मर्चेंट हॉस्पिटल इंश्योरेंस करता है 600 तक का, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को 5 रुपये का कमीशन मिलता है। और वहीं पर यदि फैमिली के साथ यदि 3540 का अगर मर्चेंट इंश्योरेंस करता है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। वहीं पर फैमिली के साथ 4956 का करता है, तो 28 रुपये का कमीशन मिलता है। और वहीं पर दोस्तों यदि 4248 रुपये का अगर यदि मर्चेंट इंश्योरेंस करता है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को जो प्रॉफिट हो 25 रुपये होता है। और वहीं पर फैमिली के साथ यदि 5664 रुपये का अगर इंश्योरेंस करता है मर्चेंट, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को 30 रुपये का कमीशन मिलता है। साथ में अगर देख पाए सुरक्षा लाइफ बीमा यहाँ पर यदि होता है 3,000 रुपये का, तो डिस्ट्रीब्यूटर को 20 रुपये का कमीशन मिलता है। वहीं पर सुरक्षा लाइफ वाला अगर यदि 4,000 का होता है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को 25 रुपये का कमीशन मिलता है। अभी हम बात कर लेते हैं टू व्हीलर इंश्योरेंस और फोर व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में। तो यदि मर्चेंट टू व्हीलर इंश्योरेंस करता है, तो 1% प्लस ओडी प्रीमियम के साथ डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट होता है। तो यानी ओडी प्रीमियम का मतलब दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन में 1% वो फर्स्ट पार्टी में मिलेगा, जो कंपनी का एनुअल प्राइस होता है उसी पर 1% मिलेगा। यदि वहाँ पर थर्ड पार्टी होता है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अभी हम फोर व्हीलर की बात कर लेते हैं, फोर व्हीलर थ्री व्हीलर के बारे में। तो वहाँ पर 2% प्लस ओडी प्रीमियम है, यदि कंपनी के प्राइस से होता है, तो वहाँ पर 2% आपको कमीशन मिलेगा। यदि वहाँ पर थर्ड पार्टी होता है, तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बिल पेमेंट्स के बारे में। तो यदि मर्चेंट 1,000 रुपये से लेकर 1,000 के बीच में कोई बिल पेमेंट करता है, तो यहाँ पर मर्चेंट को 2,500 रुपये कमीशन मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसे, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा बिल पेमेंट का चल रहा है प्रोसेस, और काफ़ी ज़्यादा बिल पेमेंट का वर्क हो रहा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनकम होने वाला है। यदि मर्चेंट 1,001 रुपये से लेकर 2,000 के बीच में करता है, तो यहाँ पर मर्चेंट को 9 रुपये प्रॉफिट होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपया प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर यदि मर्चेंट 2,000 प्लस करता है, तो 15 रुपये कमीशन मिलता है मर्चेंट को, और डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये कमीशन मिलता है। अभी हम बात कर लेते हैं मनी ट्रांसफ़र के बारे में। तो एज ए पर स्टाइटिन उर्बन नॉन EPI मॉडल, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को जो परसेंट मिलता है, और 1,000 पे 0.18 का परसेंट का कमीशन मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर को जो प्रॉफिट है कमीशन का, वो 0.1% कमीशन है। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं अनुमान कितना प्रॉफिट होता है। और जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप डिस्ट्रो को देख पा रहे हैं, जो पेमेंट्स होता है जो कि कैश कलेक्शन से बोला जाता है, तो उसमें कितना प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूटर को, जो कि आप यहाँ पर सारा देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे कंपनी के नाम से दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ओला है, तो ओला पे यहाँ पर जो होता है उसका पेमेंट टाइप है ई कॉमर्स है, तो यहाँ पर 0.10% का भी मिलता है। और यहाँ पर मिल जाता है HDFC जो कि EMI कमर्शियल व्हीकल्स लोन है, जिसपे आपको मिलता है 0.2% का। इसी तरह बजाज का है, हीरो कस्टमर्स है, LT टू व्हीलर है, और इसी तरह बहुत सारी कंपनी से व्हीलर EMI मिल जाएगा। रिलायंस जियो का मिल जाएगा, सैटिन मिल जाएगा, सैटिन कस्टमर मिल जाएगा आपको, स्वतंत्र MFI का कस्टमर का मिल जाएगा आपको यहाँ पर कैश कलेक्शन का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी कंपनी का कैश कलेक्शन, आप यहाँ से ध्यान से पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर और भी मिल जाती है, LO की सुविधा कस्टमर का मिल जाता है, L&T माइक्रो फाइनेंस का मिल जाता है आपको, कैश कलेक्शन फिनो फाइनेंस का मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी कंपनी का कैश कलेक्शन है, जिसके अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग डिस्ट्रो को अलग अलग कमीशन मिलने वाला है, तो आप आराम से फिर कमीशन को देख सकते हैं। और ये जो ये कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, ना कि रिटेलर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया कि डिस्ट्रो कितना प्रॉफिट होने वाला है, और किस तरह कितना प्रॉफिट होगा, ये आपने हमने इस वीडियो में शेयर कर दिया है। यदि आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ पर डिस्ट्रो सिप ले सकते हैं। और भी कोई आपको बेसिक जानकारी यदि नहीं समझ में आती है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू और भी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट लगता है, यदि आप इसके लेने के लिए इच्छुक है, तभी कॉल कीजिए। यदि आप नहीं लेना चाहते हैं, तो जानकारी के लिए कॉल मत कीजिएगा, लेने के लिए इच्छुक है तभी कॉल कीजिए। यहाँ पर हमने अमाउंट के बारे में सारा डिस्कस कर दिया है, आपने सब कुछ देख लिया है कि कितना कमीशन मिलने वाला है, क्या क्या आप समय सारी फैसिलिटी अपने देख लें।
अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिटेलर का कमीशन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको रिटेलर कमीशन दिखाते हैं कि रिटेलर को क्या कमीशन मिलता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो कमीशन स्ट्रक्चर है ये रिटेलर का है। यहाँ पर तीन मॉडल मिलते हैं आपको, 2K, 35K और 59K मॉडल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक 2000 का दिखाई दे रहा है, एक आपको 35000 का, एक 59000 का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तीन मॉडल के आपको CSP मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर दोबारा से देख लीजिएगा, यदि कस्टमर यदि मर्चेंट आपका मर्चेंट यदि अकाउंट ओपन करता है सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पर विदाउट डेबिट कार्ड की तो आपको मिल जाता है 10 रुपये कमीशन 2K मॉडल में, और 3K 35K मॉडल में भी आपको 10 मिलता है, और 59K मॉडल में 10 मिलता है। यदि अकाउंट ओपनिंग विद डेबिट कार्ड डेबिट के साथ होता है सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पर आपको 2K मॉडल में 25 मिल जाता है, और आपको 35 में 35 मिल जाता है, 30 रुपये कमीशन मिल जाता है, उसमें भी 30 रुपये कमीशन मिल जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं आपको कैश भी डिपॉजिट पे आपको मिल जाता है 0.1% से 15 रुपये मैक्सिमम कमीशन है, और वहीं पर कैश विड्रॉल पे आप देख सकते हैं 0.1% से 15 रुपये मैक्सिमम कमीशन इसका है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफ़र फिनो टू फिनो, तो यहाँ पर 5 रुपये कटता है जो कि तीन मॉडल में सेम है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं माइक्रो एटीएम के बारे में, तो यहाँ पर इसमें मिल जाता है आपको 2K मॉडल में 0.20% यानी कि इतना कमीशन मिलेगा आपको, और मैक्सिमम जो इसका 10 रुपये कमीशन है। इसी तरह आपका 35K मॉडल में आपको 0.3% है मैक्सिमम 10 रुपये कमीशन, और 59K मॉडल में आपको 0.35% है और मैक्सिमम इसका 10 रुपये है। इसी तरह बात कर लेते हैं APS का, तो APS में इसमें आपको फर्स्ट वाले में मिल जाता है आपको 0.18% मिल जाता है, और जिसका मैक्सिमम कमीशन है कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल का 6 रुपये कमीशन है, और वहीं पर 35K मॉडल में 9 रुपये कमीशन है और 0.30% है, सेम वो माइक्रो एटीएम वाला कमीशन है, आप मिला सकते हैं दोनों में। और दोस्तों यहाँ जो 2K मॉडल दिखाई दे रहा है 6 रुपये कमीशन, तो यहाँ पर अभी कमीशन बढ़ा दिया गया, क्यों? क्योंकि पहले का कमीशन स्ट्रक्चर है, तो इस समय जो चल रहा है कमीशन यहाँ पर आपको 7 रुपये मैक्सिमम कमीशन चल रहा है APS पे, और बाकी जो माइक्रो एटीएम कमीशन वो पहले जैसा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमिटेंस के बारे में, तो रिमिटेंस में आपको देख पाते हैं जो फिनो का चार्ज होता है वो 2% आपको होता है, 2% आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो अप टू 2%, तो यहाँ पर ऐसा मत सोचिए कि अप टू 2% का मतलब आपका नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आप 1000 रुपये ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ पर 1000 रुपये आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल रिचार्ज का आपको मिलता है 1.15% यानी 1.5% आपका है। और यहाँ पर बिल पेमेंट करते हैं तो 1 रुपये से लेकर यदि 20,000 के बीच में करते हैं तो आपको 15 रुपये तक का कमीशन मिल जाता है बिल पेमेंट करने पे। एयर टिकट करते हैं तो आपको 5% कमीशन मिलता है जो कि तीनों मॉडल में सेम है। होटल बुकिंग करते हैं तो आपको 10% का मिलता है फर्स्ट वाले मॉडल में, और सेकंड वाले मॉडल में आपको 12%, और थर्ड वाले मॉडल में आपको 12% मिल जाता है। यदि डिलाइट करते हैं आपको डिलाइट को मिलता है 0.45% मिलता है वो कमीशन, नहीं जीवन लोन करते हैं तो 0.45% है जो कि तीनों दो मॉडल में सेम है आपका, और थर्ड वाले मॉडल में 0.5% है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका वो साइन फीस है, तो यहाँ पर आपका 2000 रुपये 2K मॉडल का है, और 3K मॉडल का आपका 35,000 है, और आपका 59K मॉडल का आपका है 59,000 रुपये, यानी कि आपका 2K में 2000 रुपये और 35K में आपका 35,000 रुपये और 59K मॉडल में आपको 59,000 रुपये। साथ ही में आपको यहाँ पर और भी सर्विस में लेना चाहते हैं मिल सकती है, जैसे कि आपको WPASS मिल जाएगा, आइडेंटिफाई डिवाइस बायोमेट्रिक विथ आपको पिन पैड और पिन पैड, यहाँ पर सारी सर्विस मिल जाती हैं। तो ये रहा आपका कमीशन स्ट्रक्चर आपका BC के लिए, तो आपने जो देख लिया मर्चेंट भाई के लिए। अभी अब आपको दिखा देते हैं कि कितना कमीशन मिलता है आपको रिमिटेंस पे, तो चलिए यहाँ पर हमको दिखाते हैं रिमिटेंस पे कितना कमीशन मिल जाता है। तो दोस्तों यदि आप 100 रुपये से लेकर 1000 के बीच में करते हैं जो कस्टमर का चार्ज होता है वो यहाँ पर होता है 10 रुपये, और जो कि यहाँ पर मर्चेंट को प्रॉफिट होता है 2K मॉडल में 4.5 रुपये का, और 35K मॉडल में आपको मिल जाता है 4.5 और 59 इसमें 4.5 मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कमीशन आप ध्यान से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कि वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, और यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो कॉल मत कीजिएगा, जानकारी के लिए अगर आपको ट्रस्ट है तभी कॉल कीजिएगा।